नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जब डरपोक आत्माएं शरीर पर कब्जा कर लेती हैं तो क्या होता है। दोस्तों बहुत लोगों के शरीर पर डरपोक आत्मा भी होती है और अपने आप में एक बहुत ही अलग ही विडंबना होती है कि जब ऐसी डरपोक आत्माएं शरीर पर कब्जा भी कर लेती हैं तो उनकी क्या स्थिति रहती है और प्रेत रोगी को कैसा महसूस होता है। दोस्तों कोई भी डरपोक आत्मा वो आत्मा होती है जो जीते जी भी अपने जीवन काल में भी जब वो मनुष्य की योनि में रही थी तो भी वो डरपोक थी। चाहे वो एक औरत की आत्मा हो सकती है, किसी मर्द की हो सकती है, किसी बच्चे की हो सकती है, किसी बूढ़े की हो सकती है। तो किन परिस्थितियों में उस इंसान ने जीवन काटा है डर में या कैसी परिस्थितियों में काटा है, वो उसके परिस्थितियों के हिसाब से उसके डर की जो उत्पत्ति हुई है उस पर डिपेंड करेगा। तो जीवन तो जी लिया पर मरणोपरांत भी उस आत्मा के अंदर अगर वो डर विद्यमान है और उसका ट्रॉमा इतना ज़्यादा है तो अगर वो किसी को पोजेस भी कर लेती है तो उस डर को कंटिन्यू रखेगी। अब ये डर कई तरीके के हो सकते हैं। मौत का डर हो सकता है, उसकी उसके शरीर को उसने त्यागा हो तो मौत उसको बहुत दर्दनाक मिली हो तो जिस वजह से वो ट्रॉमेटाइज्ड हो, उसको वो डर अभी भी हो। तो अगर ऐसी आत्मा किसी के शरीर पे आ जाती है तो उसको मौत का दोबारा डर बना रहेगा कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए, क्योंकि जो उसने प्रीवियस दर्द सहा है वो इतना ज़्यादा था, इतना भयानक था कि वो उससे अभी तक निकल नहीं पाई है। और नए शरीर को पाने के बाद, किसी और के शरीर को कब्जा करने के बाद भी उसको ऐसा व्यतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि उसको दोबारा इस मौत का सामना इस नए शरीर में ना करना पड़े। इसके अलावा पकड़े जाने का डर सबसे बड़ा डर होता है डरपोक आत्माओं में कि कोई तांत्रिक ना आइडेंटिफाई कर ले या घर के लोग ना आइडेंटिफाई कर लें, वो किसी के पास ले जाके कोई इलाज ना करा दें, कहीं उस इलाज के दौरान उसको पड़ताड़ना ना हो जाए। यहाँ तक कि अगर कहीं पर दिखाया जाता है, इलाज कराया जाता है तो भी उसको डर पैदा हो जाता है और भी ज़्यादा कि उसके साथ क्या होगा, क्या उसकी आत्मा को भी चोट लग सकती है, क्या उसकी आत्मा को भी वही दर्द महसूस हो सकता है जो उसके शरीर को होता था। तो इस तरीके के दर्द भी होते हैं। इसके अलावा इस तरीके का डर के खुद को देख के डर जाना, क्योंकि उसने नया शरीर प्राप्त कर लिया है। अब कोई भी वो इंसान है हर वक्त 24 आवर्स तो पोजेशन में नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब बंदा नॉर्मलाइज होता है, पर जब वो आत्मा होगी उस शरीर पे हावी हुई भी और वो इंसान अपना चेहरा देख रहा है तो वो आत्मा उस नए शरीर को, नए चेहरे को देख के भी डरने लग सकती है कि ये मेरा शरीर नहीं है, ये मेरा चेहरा नहीं है, ये मैं कहाँ आ गई हूँ, ये मैं कैसे फंस गई हूँ। यहाँ तक कि कई दफ़ा डरपोक आत्माएं शरीर को पोजेस कर लेती हैं और इन्हें मालूम भी नहीं पड़ता। फिर ये सोचती हैं कि हम इसमें कैसे फंस गए हैं, हम कैसे निकले। कई प्रेत रोगी ऐसे भी होते हैं जो बाकायदा बात बोलते हैं, हमें डर लग रहा है, हर चीज़ से डरना, लोगों, घर के लोगों से डरना, शीशे से डरना, अपने आप को देखने से डरना, अपने चेहरे से डरना। अब घर के लोगों से डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि उस आत्मा के लिए तो वो सारे लोग अनजान हैं। जिस नए घर में, नए शरीर पर उस वो आई है वहाँ पर सब कुछ लोग अनजान हैं। यहाँ तक कि सपोज़ किसी औरत की आत्मा किसी औरत के अंदर आ जाती है और उस औरत का पति उसको के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है तो हो सकता है उसको ना बनाने दे, उसको डर लगे क्योंकि जो आत्मा हावी हुई भी है उसके लिए वो आदमी पराया है। इसी तरीके से घर में अपने आप को देखना, चेहरे को देखना, पराए चेहरे को देखना, तो एक उसमें डर की विडंबना पैदा हो सकती है। एक ऐसा उस आत्मा का स्वरूप हो सकता है कि वो शीशे को देखने से भी डरे तो हमें लगेगा कि प्रेत रोगी डर रहा है, पर डर वो आत्मा रही होगी। यहाँ तक कि घर में ढंग से ना रह पाना, बैठ पाना, किससे बात ना कर पाना, भेद ना खुल जाए, इस बात की घबराहट रहना, कहीं ना कहीं एक ऐसा डर पैदा करता है जिससे इंसान गुमसुम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम प्रेत रोगी देखे गए हैं कि वो गुमसुम भी हो जाते हैं, या कोई वॉयलेंस के द्वारा डेथ हुई हो, मर्डर हुआ हो, हिंसक तरीके से डेथ कॉज हुई हो, तब उसके बाद पोजेशन कर लिया किसी के ऊपर, तो कोई कहीं पे भी वो आत्मा वॉयलेंस देखेगी शरीर में रहते हुए, पोजेस्ड शरीर जिसको कर रखा है उसके माध्यम से, तो भी उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा होगा और वो डर हमें प्रेत रोगी की पूरी मनोस्थिति पे दिखाई देगा कि प्रेत रोगी चिल्ला रहा है, डर रहा है कि इस चीज़ को मेरे सामने से ले जाओ या मैं दृश्य देख नहीं पा रहा हूँ। और पहले वो इंसान नहीं डरा करता था, पर जब से पोजेशन आया है तब से वो थोड़ी सी भी कोई कहीं पर किसी के साथ वारदात हो रही होती है, कहीं पर टीवी में भी अगर ऐसा दृश्य होता है तो उसके देख कर भी भयभीत हो जाता है, क्योंकि जो अंदर बैठी स्पिरिट है असल में वो भयभीत हो रही होती है शरीर के माध्यम से।
तो जो डरपोक आत्माएं होती हैं इनको भगाना भी एक तरीके से थोड़ा कई दफ़ा आसान साबित होता है, क्योंकि आप अगर एक बार प्रेत रोगी की मनोस्थिति जान जाओ या जान जाओ कि अंदर जो एनर्जी है वो डरती है, वो हर चीज़ से डरती है, तो उसको डरा धमका के उसके अच्छे से इलाज करके ऐसी एनर्जीज को भगाया भी जा सकता है। यहाँ तक कि ये एनर्जीज़ का डर का लेवल इतना ज़्यादा होता है कई दफ़ा कि ईश्वर के नाम से, उनके जाप से, उनकी पूजा पाठ से भी डरती हैं। तो घर में रेगुलर बेसिस पे पूजा पाठ आप अपना चालू रखिए, मंत्र जाप चालू रखिए, घर में हर तरीके का आप घंटियों का शोर रखिए, हर तरीके से घर में आपके जो है हवन होना चाहिए, धुनी होनी चाहिए हमारी, हर तरीके से आप देखेंगे कि ऐसी आत्माएं बिल्कुल फिर लुप्त होती चली जाती हैं, शांत पड़ जाती हैं और डर के मारे कई दफ़ा इतनी भयभीत हो जाती हैं कि शरीर और घर भी छोड़ के भाग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं डरपोक आत्माएं जब शरीर को कब्जा करती हैं तो कई दफ़ा इनकी गलती नहीं भी होती, गलती से कर लेती हैं या जानबूझ के भी करती हैं, छुपने के लिए भी अगर करती हैं या भारी औरा मंडल की अन्य प्रेत आत्माओं से छुपने के लिए भी करती हैं, तो भी इनके लिए स्थिति हमेशा एक डराने वाली ही रहती है, घबराने वाली ही रहती है, क्योंकि ये चैन से उस शरीर में भी नहीं रह पाती जिसको इन्होंने पोजेस किया है। तो कहीं ना कहीं इनको भगाना भी आसान हो जाता है, रोकना भी कई स्थितियों में आसान साबित हो जाता है, बशर्त है कि आप जान जाओ कि जो एनर्जी ने पोजेस कर रखा है वो डरपोक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको परलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, वास्तु दोष, काला जादू, हर चीज़ दूर हो जाएगी, काम बनने लगेंगे, हर तरीके से जीवन बेहतर होता चला जाएगा। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं। अगेन, ये कभी ख़राब नहीं होता है, ये हमेशा आपकी रक्षा करता रहेगा पूरी ज़िंदगी भर। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कड़ा पहन सकते हैं, ये रक्षा भी करेगा, नेगेटिविटी भी दूर करेगा और आपके ऊपर आ रहे गुस्से को, अगर आपको बहुत क्रूरता और गुस्सा आपके अंदर है तो उसको भी शांत करता चला जाएगा। बाकी आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।